दोस्तों, अगर आप भी भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आखिरकार नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर पाकिस्तान की टीम को खदेड़ने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 टीम में कर दिए 7 बड़े बदलाव। आखिर टॉस के बाद शुरू हो गया मुकाबला, क्या उतरी है प्लेइंग 11 टीम, कौन बल्लेबाज पहुंच गया शतक के करीब, सब आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान में से वर्ल्ड कप मैच कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से वर्ल्ड कप के मुकाबले हाई वोल्टेज होने के साथ साथ रोमांचक भी होते हैं। और दोस्तों, आखिरकार जिस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार एक तरफ भारत देश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी दर्शक भी इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि पहले यह मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाने वाला था, लेकिन सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस मुकाबले को रीशेड्यूल किया गया और आखिरकार मुकाबला अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां एक तरफ भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम की कमान बाबर आजम ने संभाल रखी है, जो कि अपनी टीम को किसी भी हाल में जिताना चाहते हैं। लेकिन यहां पर रोहित शर्मा ने तो जो रणनीति बनाई और प्लेइंग 11 टीम पाकिस्तान के खिलाफ उतार डाली है, वो ऐसे ही कच्चा पाकिस्तान की टीम को चबा जाएगी। तो आइए आपको बताते हुए चलते हैं मैच के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर शुभमन गिल की डेंगू के बाद वापसी टीम में हो चुकी है और रोहित शर्मा के साथ उन्होंने ही पहले बल्लेबाजी शुरू की और खूब छक्के चौके भी जड़कर पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को बता दिया कि आखिर उनकी भारत की पिच पर क्या मजाल है कि वो विकेट भी चटका सके। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अगर आप भी वर्ल्ड कप का यह रोमांचक मुकाबला लाइव अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पर यह मुकाबला नजर आ रहा है। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो हॉटस्टार ऐप पर आप सभी से मैच का लाइव प्रसारण हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु जैसी अनेक भाषाओं में देख सकते हो। तो वहीं दोस्तों, आपको मौसम विभाग द्वारा जारी जानकारी के बारे में बताएं तो दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि मैच के दौरान बारिश होने की संभावना लगभग 60% तक बनी हुई है और मैच के बीच अगर बारिश हो भी जाती है तो ज्यादा देर तक ये बारिश अड़चन बनेगी नहीं, जिसके चलते हम सभी को भारत पाकिस्तान के बीच पूरा मुकाबला खेला जाता हुआ ही नजर आएगा 50-50 ओवर का। तो वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच अगर हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में जाने तो दोस्तों, अब तक दोनों टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे फॉर्मेट के 134 मैच खेल चुकी हैं और यहां पर 56 मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है, तो वहीं 73 मुकाबलों में पाकिस्तान की टीम जीती है। तो दोस्तों, ये आंकड़े देखकर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है, लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने जिस तरह की शुरुआत किया वो देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तो वहीं फिर विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, अय्यर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं वो देखकर तो भारत की टीम पाकिस्तान के आगे 400 भी बना सकती है और हरा सकती है उनको एक तरफा। तो वहीं बात करें अगर प्लेइंग 11 टीम के बारे में तो दोस्तों, जो भारत की प्लेइंग 11 टीम खेलती हुई नजर आ रही है उसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 7 बड़े बदलाव करते हुए कई नए खिलाड़ियों को शुमार किया है, जहां इस बीच भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत कर रहे हैं। तो वहीं मध्यम क्रम में सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया है अय्यर की जगह पर, तो वहीं विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आ रहे हैं और ऑलराउंडर की भूमिका रविंद्र जडेजा पर सौंपी गई है। तो वहीं फिर गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बात करें पाकिस्तान की टीम के बारे में तो पाकिस्तान के लिए बाबर आजम की टीम में इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, शाहिद शकील, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ खेल रहे हैं। बाकी दोस्तों, आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में से कौन सी टीम यह मुकाबला जीतने में कामयाब होगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।